नौगछिया पुलिस जिला के बिहपुर झंडापुर एनएच 31 के समीप बोडाफोन टावर के पास बिहपुर थाना व झंडापुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इंडियन ऑयल के टैंकरों से होने वाले तिलकट्टी गिरोह के कारनामे का भंडाफोड़ हुआ है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 27 ड्रम में 5400 लीटर डीजल के साथ साथ ऑयल इंडिया का एक टैंकर भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि उक्त टैंकर बरौनी रिफाइनरी से मुंगेर के लिए चला था। पुलिस द्वारा किए गए इस बड़ी कार्रवाई में मिली सफलता की जानकारी सोमवार को बिहपुर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी सुशांत कुमार सरोज ने दी। एसपी ने बताया कि इस कार्रवाई में टैंकर का चालक बेगूसराय के कारी चक्का धर्मेंद्र चौधरी समेत टैंकर से तेल निकाल रहे नारायणपुर मथुरापुर का खंतर यादव एवं खगड़िया के गोगरी का रहने वाला मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मोहम्मद सोहेल मौके से भागने में सफल रहा। एसपी ने बताया कि सोहेल तिलकट्टी करने के इस खेल का पुराना सातिर है। 2 वर्ष पूर्व इस मामले में वो जेल भी जा चुका है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई और नाम सामने आए हैं। रविवार की रात मिली सटीक सूचना पर इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। बिहपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें कुल 5 को नामजद आरोपित किया गया है। एसपी ने इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि बताते हुए बिहपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह व झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार के द्वारा किए गए कार्य को सराहा। एसपी ने कहा कि तिलकट्टी गिरोह पर उनकी काफी पहले से नजर बनी हुई थी। पहले सूचना मिली हुई थी, यूं कहें कि आप लोगों के द्वारा भी वीडियो वायरल किया गया था कि बिहपुर झंडापुर एनएच पे तिलकट्टी का काम होता है और नवशा थाने में भी कहीं पे एक बार फुटेज आया था, लगातार सब लगे हुए थे, टीम गठन भी किया गया था। और ये जो है आज से लगभग 10-15 दिन पहले हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया था, फलाने जगह पे तेलकट्टी होता है और वो जो अपराधी है ये पूरे इलाका में आप कह लें कि कुर्सेला से लेकर के बेगूसराय तक जो पेट्रोल पंप है उसे टच में रहता है, बात करता है और सस्ते में तेल भी बेचता है। ये जानकारी हमें मिली थी तो थाना प्रभारी बिहपुर की जानकारी दी गई थी। फिर इनके द्वारा कल बताया गया कि जो सर्वसठी लोकेशन आ गया, क्रिमिनल भी तेल काटने का शुरू कर दिया। उसके बाद थाना प्रभारी बिहपुर और झंडा टीम गठन किया गया, छापेमारी की गई और तेल कटिंग करते हुए 2 अपराधी पकड़े गए। इसमें ड्राइवर की सहभागिता होती है, ड्राइवर भी उसे मिल करके तेल को बेचता है तो ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा और 2-3 ड्राइवर का नाम क्या सर? ड्राइवर का नाम ये आपका है धर्मेंद्र चौधरी, प्रेसर दीपक चौधरी शाकिन कारीचक थाना मुफस्सिल जिला बेगूसराय। कितना तेल जब्त किया गया? 5400 तेल जब्त किया गया है, जो टैंकर से तेल निकाला गया था तेल जब्त किया गया 5400 लीटर। लेकिन ये जो गैंग है ये कोई ये पहला उसका वारदात नहीं था, इसके पहले भी घटना कर चुका था। इसमें जो एक और अपराधी है वो पहले भी जेल गया हुआ है और जो फरार हो चुका है वो उसको भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस रूट पे कहीं भी तेलकट्टी का पुनः घटना पुनरावृत्ति न हो। दोनों अपराधी कौन कौन है सर? एक अपराधी है खंतर यादव है, पेशर स्वर्गीय लखन यादव साकिन मथुरापुर थाना भवानीपुर का ही है। मोहम्मद इमरान है पेशर नसीम साकिन राहल थाना डोगरी जिला खगड़िया। और जेल कौन गया है सर इससे पहले इस मामले में सर? इसमें जेल गया हुआ मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सोहेल जो भाग गया है मोहम्मद सोहेल जेल गया हुआ, मोहम्मद सोहेल पहले जब उसमें जेल गया हुआ था वो भाग गया। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये मैं लगभग 3 महीने पहले भी ये वीडियो वायरल हुआ था और कई लोग कहना था कि गिरोह है जो तेल कट्टी करता है और तेल कट्टी करके वो पेट्रोल पंप पर भी बेचता है, ये जानकारी हमें थी। तो लगातार थाना प्रभारी बिहपुर कर रहे थे कई दिन से लगे हुए थे, केवल सिविल में हमें बिल्कुल जानकारी थी, इसका हम खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, लगातार सिविल में गए।